कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। सालों पुराने खराब रिश्ते को लव वाइब्रेशन ने ठीक कर दिया। रिश्ते शब्द गलत है क्योंकि रिश्तों को लव वाइब्रेशन ने ठीक कर दिया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम मेंशन करने के लिए इन्होंने सामने से ही मना कर दिया है, इसलिए इनका नाम मैं ले नहीं सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने लव वाइब्रेशन का कमाल देख लिया है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी, मेरा नाम मेंशन नहीं करना प्लीज। थैंक यू सो मच दी। ठीक, आई लव यू। थैंक यू दी। मैंने लव वाइब्रेशन भेजी थी अपनी कजन सिस्टर को और ब्रदर को, ताया जी और ताई जी को भी भेजी थी, लेकिन हमारी फैमिलीज में बहुत सालों से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हमारे पेरेंट्स की वजह से हम बच्चों के भी रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए थे। हमने बचपन से लेकर के अभी यंग होने तक एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की थी। जानते हैं कि ये ताया जी का बेटा है और वो भी जानते हैं कि हम उनके चाचा जी के बच्चे हैं, लेकिन एकदम दुश्मनी वाली जो नजर होती है ना, बस वैसे एक दूसरे को देख करके निकलना ऐसा हो गया था। और ये करते करते हम यंग भी हो गए। अब जा करके मुझे आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो मिला और मैंने सोचा कि मैं अपने इस रिश्ते पर इसे ट्राई करूंगी। तो मैंने सच बता रही हूँ, ट्राई करने के लिए ही लव वाइब्रेशन करना शुरू किया। मैंने अपने ताया जी के बेटे और बेटी को अलग अलग 21 21 डेज तक लव वाइब्रेशन भेजी। अपने ताया जी और ताई जी को भी लव वाइब्रेशन भेजी। मैं आज भी लव वाइब्रेशन भेजती हूँ अपने ताया जी के एक और रिलेटिव को, जिनकी वजह से चीज़ें खराब हो गई थी, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी बेटी के ससुराल से हैं और उनके आने के बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट होती चली गईं। तो अब मैं उनको भेज रही हूँ। बाकी इन चारों लोगों को भेज करके मेरा लेट गो हो गया और लेट गो के बाद में आज कंडीशन ये है कि हम चारों का ही रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो गया। सबसे पहले मेरे ताया जी के बेटे ने मुझे मैसेज किया था। उसने मुझसे कहा कि उसने ये जो नंबर है वो मेरी फ्रेंड से लिया है। वो चाहता तो घर से भी नंबर ले सकता था, लेकिन इतनी ज़्यादा दुश्मनी जैसी थी कि वो बेचारा नंबर भी नहीं ले सकता था। तो जाके उसने मेरा नंबर अरेंज किया और उसने मुझे मैसेज किया। उसके बाद से लेके आज तक हमारे भाई बहनों का व्हाट्सएप पर ग्रुप है और हम बहुत ज़्यादा चिल करते हैं। तो पहले बच्चों की दोस्ती हुई, धीरे धीरे जा करके पहले ताया जी और पापा को पता चला तो थोड़ा सा वो लोग गुस्सा हुए, लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने कहा चलो बच्चे पहल कर रहे हैं तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए। मैं हमेशा से चाहता था कि घर में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके प्यार से रहें। फाइनली वो डे आ गया, हम सब प्यार से रहते हैं, लेकिन अभी वो जो हैं मेरी दीदी के जो ससुर हैं, मेरे ताया जी की सबसे बड़ी बेटी के जो ससुर जी हैं, वो अभी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लव वाइब्रेशन की ताकत मैं पहचान चुकी हूँ और अब मैं उन्हें लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ। वो भी आने वाले हैं हमसे पक्की वाली दोस्ती करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन लव वाइब्रेशन के 3 महीने बाद ही ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी, जब मैंने सबको लव वाइब्रेशन भेज करके छोड़ दिया। मैं आज से नहीं, पिछले कई महीनों से ये काम कर रही हूँ और फाइनली ये चीज़ें होने लगी। मुझे पूरा लेट गो का टाइम 3 महीने लगा था, उसके बाद में ही मुझे रिजल्ट्स मिल गए थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू लव वाइब्रेशन, इतने प्यार से, इतने अच्छे और इजी तरीके से समझाने के लिए थैंक यू थैंक यू। खैर, आपकी कहानी बहुत ही प्यारी है, तो मैंने इसलिए कहा था ना, रिश्ते नहीं है ये, रिश्तों हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं जो इन्होंने लव वाइब्रेशन से ठीक कर लिए, जहाँ पर बहुत सालों से नेगेटिविटी फैली हुई थी। अब रीज़न कुछ भी हो पर नेगेटिविटी फैली हुई थी, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। लेट गो यहाँ पे भी है। 3 मंथ्स तक इन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया था और 3 मंथ्स के बाद आप देख ही रहे हैं कि इनके ब्रदर ने कैसे इनका नंबर अरेंज किया और कैसे बातचीत जो थी दोनों की शुरू हुई। उसके बाद एक ग्रुप बन गया, भाई बहन आपस में मिलकर के सब लोग बातें करने लगे, पापा तक बात पहुंची और
हो गया फैमिली मैटर सॉल्व। तो लव वाइब्रेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है, आप इसे जरूर ट्राई करें, लेकिन लेट गो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपसे लेट गो नहीं होता है तो कंटिन्यू करते रहें, धीरे 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 देखें कि आपका नेचुरली लेट गो हो रहा है या नहीं, और अगर तब भी ना हो तब भी कोशिश करते रहें कि आपका लेट गो हो जाए, ताकि जब आपका लेट गो हो जाए तो आप रिसीविंग मोड तक आ सकें। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।